डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोलैरी टोन्स के बारे में। तो पोलैरी टोन्स के बारे में हमको अगर डिस्कस करना है तो हमको देखना पड़ेगा इंट्रैक्शन ऑफ ट्रांसवर्स ऑप्टिकल फोनॉन्स, यानी ट्रांसवर्स ऑप्टिकल फोनॉन्स जो होते हैं वो किस तरीके से इंटरैक्ट करते हैं, किसके साथ में ये इंटरेक्शन किसके साथ में देखना है हमको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो कि ट्रांसवर्स होते हैं नेचर से उनके साथ। अब फोनॉन्स के बारे में तो हमको पता है कि फोनॉन्स जो हैं वो क्वांटा है वाइब्रेशन का। तो ये जो फोनॉन्स होते हैं इनके अलग अलग मोड होते हैं, ये भी हमको मालूम है, ऑप्टिकल और एकॉस्टिक। फिर ऑप्टिकल और एकॉस्टिक को भी फर्दर बाइफर्केट किया जाता है लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स में। लॉन्गिट्यूडनल ऑप्टिकल, ट्रांसवर्स ऑप्टिकल, लॉन्गिट्यूडनल एकॉस्टिक, ट्रांसवर्स एकॉस्टिक। तो हमारा जो फोनॉन यहाँ पर होगा वो होगा ट्रांसवर्स ऑप्टिकल फोनॉन। उसका जब इंट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ वो हम देखने जा रहे हैं। यहाँ पर एक और टर्म आएगा आपका रिजोनेंस। तो रिजोनेंस जो कंडीशन होता है वो एक ऐसा कंडीशन होता है जबकि फ्रीक्वेंसी और वेव वेक्टर, ये दोनों जो फैक्टर हैं, ये दोनों दो वेव्स के बिल्कुल बराबर होते हैं, तो वो कंडीशन कहलाती है रिजोनेंस। अब यहाँ पर बात ये आती है कि रिजोनेंस वाली कंडीशन में जो फोनॉन और फोटोन, ये दोनों की जो कपलिंग होती है वो पूरी तरह से वेव्स के प्रोपगेशन को बदल कर रख देती है, जिसकी वजह से फॉरबिडन बैंड एस्टेब्लिश हो जाता है। रिजोनेंस वाली कंडीशन में होता क्या है, हमने कहा फोनॉन की कपलिंग होगी। अच्छा, शुरू में तो हमने कहा फोनॉन का इंट्रैक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी ट्रांसवर्स वेव्स, यानी उसके अंदर हैं फोटॉन्स। तो फोनॉन फोटोन का इंट्रैक्शन हो गया ये, तो फोनॉन फोटोन के इंट्रैक्शन या कपलिंग से क्या चेंज हो जाता है, वेव का प्रपोगेशन, और इस वजह से एक फॉरबिडन बैंड एस्टेब्लिश हो जाता है। अब यहाँ पे हम आते हैं इस डायग्राम पे। ये जो डायग्राम प्लॉट दिया हुआ है आपका, यहाँ पे एक्स एक्सिस में है एच क्रॉस सी के और यहाँ पे वाई एक्सिस में है एच क्रॉस ओमेगा। तो ये फ्रीक्वेंसी के लिए हो गया, ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट टर्म हो गया और ये हो गया वेव वेक्टर डिपेंडेंट टर्म। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो क्रॉस है डैश्ड वाले रीजियन का, ये जो क्रॉस है, ये जो डैश वाली लाइन आपको दिख रही है, इनका जो क्रॉस है ये वाला हिस्सा रिजोनेंस रीजियन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि हमने कहा रिजोनेंस में न्यू या फिर जो फ्रीक्वेंसी होती है न्यू या ओमेगा से जिसको डिनोट कर सकते हैं, यहाँ पे ओमेगा से डिनोट कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी और वेव वेक्टर दोनों बराबर होगा, तो इस पॉइंट पे दोनों बराबर होगा तो ये जो रीजियन है वो कहलाएगा रिजोनेंस रीजियन। जो डैश्ड वाला है वो डिस्प्लेसमेंट बता रहा है फोटोन और ट्रांसवर्स ऑप्टिकल फोनॉन का। अब यहाँ पर जो आप यहाँ देख सकते हैं कि सॉलिड लाइंस थियोरिटिकल डिस्पर्शन कर्व है, डॉटेड लाइंस डिस्पर्शन कर्व ऑफ अनकपल्ड फोनॉन्स एंड फोटॉन्स। सॉलिड लाइन देख लेते हैं, यहाँ पे सॉलिड लाइन ये डिस्पर्शन रिलेशन को बता रही, और जो डॉटेड लाइन है आपकी वो डिस्पर्शन कर्व है अनकपल्ड फोनॉन और फोटॉन का। ये अनकपल्ड फोनॉन और फोटॉन का है, यहाँ पे जो हिस्सा है ये क्रॉसओवर, ये कहलाता है आपका रिजोनेंस रीजन। तो जो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा इज इक्वल्स टू सी के, ओमेगा किसका, फोटॉन का, सी के किसका, फोटॉन का, विल बी इक्वल टू ओमेगा फोनॉन का, और इसकी वैल्यू लगभग लगभग 10^13 पर सेकेंड के होती है। अब यहाँ पर एक चीज़ और हमको ध्यान में देखना रखना है कि कभी भी जो लॉन्गिट्यूडनल फोनॉन होता है वो कपल नहीं होता है ट्रांसवर्स फोटोन के साथ। हमने कहा कि यहाँ पे ट्रांसवर्स ऑप्टिकल फोनॉन जो है वो ही कपल होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर ट्रांसवर्स वेव्स भी कह सकते हैं जिसको, या हम कहें कि फोटोन के साथ। तो फोनॉन और फोटोन का इंट्रैक्शन होगा यहाँ पर, तब हमको जो मिलेगा पार्टिकल वो कहलाएगा आपका पोलैरी टोन। अब यहाँ पर हमको देखना ये है कि ये जो भी पोलैरी टोन
हमको मिलने वाला है इस पोलैरी टोन के लिए। एक बात तो समझ में आ गई हमको, रेजोनेंस रीजन हमने किसे कहा, हमने फ्रीक्वेंसी निकाल ली, हमने निकाल लिया इसका वेव वेक्टर। अब हमको निकालना क्या है, डिस्पर्शन रिलेशन जो हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए, एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर के स्क्वायर होता है। दिस इज इक्वल्स टू दिस इक्वेशन वन दे देते हैं। साथ में हमको ये भी पता है कि एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू डी अपॉन ई विच इज इक्वल्स टू ई प्लस फोर पाई पी अपॉन ई विच इज इक्वल्स टू वन प्लस फोर पाई पी अपॉन ई। इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसे। अब इस डिस्पर्शन रिलेशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे कि डिस्पर्शन रिलेशन जब भी हम कहते हैं तो इसका मतलब ओमेगा और के का रिलेशन होता है। अब इस वैल्यू को रख देते हैं सीधा इक्वेशन नंबर वन पे, तो फिर हमको मिलेगा ई प्लस फोर पाई पी अपॉन ई इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर के स्क्वायर। सो ओमेगा स्क्वायर ई प्लस फोर पाई पी इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर के स्क्वायर ई। सो फोर पाई ओमेगा स्क्वायर पी प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के स्क्वायर इंटू ई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये मिल गया आपको एक इक्वेशन। अब जो कपलिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड ई की, किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है वो किसका है, फोटोन का है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई फोटोन का है, उसकी जो कपलिंग है वो किससे हो रही है, डायलेक्ट्रिक पोलराइजेशन से हो रही है, किसके, ट्रांसवर्स ऑप्टिकल फोनॉन के। तो उसको डिस्क्राइब करेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन से। सी स्क्वायर के स्क्वायर ई इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ई प्लस फोर पाई पी। लो वेव वेक्टर जब होता है तो जो ट्रांसवर्स ऑप्टिकल फोनॉन होता है उसकी अगर फ्रीक्वेंसी हम ओमेगा टी लेते हैं तो वो इंडिपेंडेंट होगा के के। पोलराइजेशन हमेशा प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉजिटिव आयंस के, अगर हम तुलना करें उसकी नेगेटिव आयंस के साथ में। तो फिर जो इक्वेशन ऑफ मोशन है पोलराइजेशन का इक्वेशन ऑफ मोशन वो बिल्कुल कैसा होगा, किसी ऑसिलेटर की तरह होगा, और उसको हम लिखेंगे पी इज इक्वल्स टू एन क्यू म्यू के बराबर। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर पी प्लस ओमेगा टी स्क्वायर पी इज इक्वल्स टू एन क्यू स्क्वायर अपॉन एम इंटू ई। अब ये आया कहाँ से, इसको डिराइव करने के लिए हमको जाना पड़ेगा सीधा इक्वेशन ऑफ मोशन में। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हमको पता है फ्री इलेक्ट्रॉन का जो इक्वेशन ऑफ मोशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, एफ इज इक्वल्स टू एम ए से एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, और एफ इज इक्वल्स टू ई ई होता है ये। अगर एक्स और ई दोनों का टाइम डिपेंडेंट ई रेज टू माइनस आई ओमेगा टी से है तो फिर e प्रोपोर्शनल टू e रेज टू माइनस आई ओमेगा टी, और x भी प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा e रेज टू माइनस आई ओमेगा टी के। तो m d स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर, x की जगह हम लिख सकते हैं e रेज टू माइनस आई ओमेगा टी विच इज इक्वल्स टू माइनस e इंटू कैपिटल E, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस m आई ओमेगा डी बाई डी टी, एक बार डिफ्रेंशिएट किया ई रेज टू माइनस आई ओमेगा टी विच इज़ इक्वल्स टू माइनस ई इंटू ई। एक और बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, एम आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ई रेज टू माइनस आई ओमेगा टी इज इक्वल्स टू माइनस ई इंटू ई। तो बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद आई स्क्वायर की जगह माइनस वन रखते हैं, ओमेगा स्क्वायर ई रेज टू माइनस आई ओमेगा टी, यहाँ पे एक एम छूट रहा है हमारा, इज इक्वल्स टू माइनस ई इंटू ई। तो माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ई इंटू ई, ऐसा लिख सकते हैं हम इसे। माइनस कैंसिल हो जाता है, यहाँ से आपको मिलेगा एक्स इज इक्वल्स टू ई ई अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर। पोलराइजेशन जो है उसको हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, और पी इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं माइनस एन ई एक्स। सो माइनस एन ई एक्स की जगह क्या रखें, ई ई अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर पी इज इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर ई
अपॉन एम, और हम माइनस ओमेगा स्क्वायर पी प्लस ओमेगा टी स्क्वायर पी इज इक्वल्स टू एन क्यू स्क्वायर अपॉन एम इंटू ई ऐसा लिख सकते हैं। और ये कब लिख सकते हैं हम, जब हम इंक्लूड करें प्रेजेंस ऑफ आयंस को, यानी कि जब एन आयन पेयर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करें, अगर एन आयन पेयर्स अगर यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हों, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस्ड मास को भी इंक्लूड करने पे हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, पी इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा टी स्क्वायर माइनस एन क्यू स्क्वायर अपॉन एम इंटू ई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इक्वेशन नंबर, सबसे पहला जो इक्वेशन आया था हमारा, फोर पाई ओमेगा स्क्वायर वाला इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन, इसको अभी के लिए इक्वेशन वन दे देते हैं। इस वाले इक्वेशन में हम ये सारी वैल्यूज़ को उठा करके अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो फिर हमको मिलता है पी इंटू फोर पाई ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के स्क्वायर इंटू ई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इक्वेशन नंबर दे देते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये आपका आ गया है इक्वेशन नंबर टू, इसको दिया था, इसको दे देते हैं थ्री, और ये वाले को दे देते हैं हम फोर। तो इस तरीके से अगर आप सॉल्व करोगे थ्री और फोर को, इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे मैट्रिक्स के फॉर्म पे, तो मैट्रिक्स के फॉर्म पे जब लिखेंगे तो एक बार ही हमको मिलेगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा टी स्क्वायर, पी के आगे है, पी के साथ कौन कौन है, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा टी स्क्वायर और एक बार ही ओमेगा स्क्वायर फोर पाई ओमेगा स्क्वायर, और ई के साथ है एन क्यू स्क्वायर अपॉन एम और ओमेगा स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के स्क्वायर। तो हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म पे लिख लेते हैं, तो मैट्रिक्स फॉर्म पे लिखने पे हमको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा टी स्क्वायर और इधर रहेगा एन क्यू स्क्वायर अपॉन एम, यहाँ पे रहेगा आपका फोर पाई ओमेगा स्क्वायर और इस तरफ रहेगा ओमेगा स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ओमेगा रेज टू फोर माइनस ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस ओमेगा टी स्क्वायर, डायरेक्टली यहाँ पे हम इसे लिख रहे हैं फोर पाई एन क्यू स्क्वायर अपॉन एम प्लस ओमेगा टी स्क्वायर सी स्क्वायर के स्क्वायर इज इक्वल्स टू ज़ीरो, और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं क्वाड्रेटिक का, ओमेगा टी स्क्वायर सी स्क्वायर के स्क्वायर होल अपॉन टू। ये जो है ये आपका है पोलैरिटॉन का डिस्पर्शन रिलेशन, और इसके लिए भी हम एक प्लॉट बनाएंगे। यहाँ पर k इज इक्वल्स टू जब ज़ीरो हो जाएगा तो फिर इस इक्वेशन के दो रूट आएंगे, ओमेगा इक्वल्स टू ज़ीरो जो कि फोटोन के लिए होगा, और ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा टी स्क्वायर माइनस फोर पाई ओमेगा स्क्वायर एन क्यू स्क्वायर अपॉन एम इक्वल्स टू ज़ीरो। सॉल्व करने पे ओमेगा रेज टू फोर माइनस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा टी स्क्वायर प्लस फोर पाई एन क्यू स्क्वायर अपॉन एम इज इक्वल्स टू ज़ीरो, या फिर इसको लिखें ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा टी स्क्वायर प्लस फोर पाई एन क्यू स्क्वायर अपॉन एम इज इक्वल्स टू ज़ीरो, और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा टी स्क्वायर प्लस फोर पाई एन क्यू स्क्वायर अपॉन एम, और ये हो जाएगा किसके लिए, पोलैरिटॉन के लिए। तो इस तरीके से आप पोलैरिटॉन के लिए भी इक्वेशन निकाल सकते हैं। ओमेगा टी जो है वो ट्रांसवर्स ऑप्टिकल फोटोन है आपका, फोटोन की फ्रीक्वेंसी है जब कपलिंग नहीं हो रही है फोटोन के साथ। अब यहाँ पर एक बात और आती है कि डाइइलेक्ट्रिक फंक्शन भी आता है, उसके पहले हम एक और प्लॉट देख लेते हैं, और दूसरा वाला जो प्लॉट है हमारा ये आया आपका दूसरा प्लॉट। इस प्लॉट में आपको जो हमने कहा था कि एक प्लॉट बनाएंगे हम और डिस्पर्शन रिलेशन के लिए,
तो डिस्पर्शन रिलेशन के लिए ये प्लॉट है आपका, एक्स एक्सिस में के की वैल्यू ली है, वाई एक्सिस में ओमेगा। हमने ये भी कहा डिस्पर्शन रिलेशन मतलब ओमेगा वर्सेस के का रिलेशन होता है। तो यहाँ पर जो ये प्लॉट है, ये जो प्लेन डैश है वो रियल के को बता रहा है, जो डॉटेड लाइन्स है वो मैग्नीट्यूड ऑफ के को बता रहा है, जब के इमेजिनरी है ये डॉटेड वाला। अब यहाँ पे फोटोन फिगर आपका जो है वो फोटोन और ट्रांसवर्स ऑप्टिकल फोनॉन के कपल्ड मोड को शो कर रहा है। फाइन हॉरिजॉन्टल लाइन जो है आपकी वो ऑसिलेटर है, फाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ऑसिलेटर ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा टी फ्रीक्वेंसी की जब कपलिंग नहीं हो रहा है। और फाइन लेबल्ड लाइन, फाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ये है हॉरिजॉन्टल लाइन आपका फाइन, और फाइन जिसको लेबल किया हुआ है यहाँ पे दिखाया हुआ है कि यहाँ फोटन फोटोन लाइक है, यहाँ पे फोनॉन लाइक है, यहाँ पे भी वैसे फोटोन फोनॉन लाइक है और ये फोटोन लाइक है। हैवी लाइन यहाँ पे आपका बता रहा है डिस्पर्शन रिलेशन किसका, कपलिंग ऑसिलेटर का और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। इफेक्ट क्या होता है कपलिंग का, गैप क्रिएट होता है ओमेगा एल और टी के बीच, ओमेगा टी के बीच में। वेव वेक्टर के जो है वो इमेजिनरी है, प्योर इमेजिनरी है, मैग्नीट्यूड उसका दिया हुआ है ब्रोकन लाइन से इसी गैप के अंदर। तो ये फिगर आपको बिल्कुल क्लियर है, यहाँ फोटोन लाइक इंट्रैक्शन हो रहा है या फोनॉन लाइक हो रहा है, उसी तरीके से यहाँ पे फोनॉन लाइक हो रहा है और यहाँ पे फोटोन लाइक हो रहा है। तो इस तरीके से हम इसके लिए डिस्पर्शन रिलेशन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे सिर्फ फोनॉन होता है तो उसके लिए भी हमने डिस्पर्शन प्लॉट किया था, वैसे ही यहाँ पे जब हमारा फोनॉन फोटोन दोनों हैं तब हम डिस्पर्शन रिलेशन बनाते हैं। अब यहाँ पे वापस आ जाते हैं, हम डाइलेक्ट्रिक फंक्शन को इंक्लूड करते हैं। जो डाइलेक्ट्रिक फंक्शन होता है, हमारा जो डाइलेक्ट्रिक फंक्शन था वो था एप्सिलॉन ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 प्लस 4 पाई पी अपॉन ई। तो अब इक्वेशन 3 जो हमने लिया था वहाँ से हमने पी इंटू ओमेगा टी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन क्यू स्क्वायर अपॉन एम इंटू ई लिखा था। तो पी अपॉन ई वहाँ से आ जाएगा एन क्यू स्क्वायर अपॉन एम इंटू 1 अपॉन ओमेगा टी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट करें एप्सिलॉन ओमेगा में ये सारी वैल्यूज़ को, तो एप्सिलॉन ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 प्लस 4 पाई एन क्यू स्क्वायर अपॉन एम, पी के जगह भी सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम, 1 अपॉन ओमेगा टी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 7। यहाँ पे अगर यहाँ पे ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन होता है पोलराइजेशन में, थोड़ा भी ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन होता है तो उसको हमको इंक्लूड करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी रेंज अगर 0 से लेकर इंफ्रारेड तक की होती है तो एप्सिलॉन ओमेगा इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन इन्फिनिटी प्लस 4 पाई एन क्यू स्क्वायर अपॉन एम 1 अपॉन ओमेगा टी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 8। ये किसके अकॉर्डिंग हमने लिखा, एप्सिलॉन एट इन्फिनिटी के अकॉर्डिंग, जो कि ऑप्टिकल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था जो शुरू में हमने निकाला था, और वो स्क्वायर होता है ऑप्टिकल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ओमेगा को अगर हम 0 रख दें तो फिर हमको स्टैटिक डाइलेक्ट्रिक फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। ओमेगा को 0 रखने पे क्या मिलेगी, स्टैटिक डाइलेक्ट्रिक फंक्शन जिसको एप्सिलॉन 0 से डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन इन्फिनिटी प्लस 4 पाई एन क्यू स्क्वायर अपॉन एम 1 अपॉन ओमेगा टी स्क्वायर, ये मिल जाएगा। इसको कंबाइन करेंगे 8 के साथ तो फिर हमको एप्सिलॉन ओमेगा मिल जाएगा उसके टर्म्स में। तो उसके साथ हम इसको अगर कंबाइन करते हैं तो 4 पाई एन क्यू स्क्वायर होना चाहिए अपॉन एम इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन एट 0 माइनस एप्सिलॉन एट इन्फिनिटी इंटू ओमेगा टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा एप्सिलॉन ओमेगा इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन इन्फिनिटी प्लस एप्सिलॉन 0 माइनस एप्सिलॉन इन्फिनिटी होल के अपॉन में ओमेगा टी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा टी स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको लॉन्गिट्यूडनल मोड के लिए निकालेंगे, तो लॉन्गिट्यूडनल मोड के लिए जब हम इसे निकालेंगे ऐसे
एप्सिलॉन ओमेगा जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी ज़ीरो, तो ज़ीरो इज इक्वल टू एप्सिलॉन इन्फिनिटी प्लस एप्सिलॉन ज़ीरो माइनस एप्सिलॉन इन्फिनिटी अपॉन ओमेगा टी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा टी स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करें तो एप्सिलॉन इन्फिनिटी माइनस ओमेगा टी स्क्वायर भी रहेगा यहाँ पे, माइनस एप्सिलॉन इन्फिनिटी ओमेगा एल स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन ज़ीरो ओमेगा टी स्क्वायर माइनस एप्सिलॉन इन्फिनिटी ओमेगा टी स्क्वायर होल अपॉन में ओमेगा टी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो जो ज़ीरो है एप्सिलॉन ओमेगा का, वो डिफाइन करता है फ्रीक्वेंसी ओमेगा एल को। एप्सिलॉन इन्फिनिटी ओमेगा एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन ज़ीरो ओमेगा टी स्क्वायर। पोल जो है एप्सिलॉन ओमेगा का, वो डिफाइन करता है ओमेगा टी को। तो एप्सिलॉन इन्फिनिटी ओमेगा एल स्क्वायर, ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई, तो इसको हम लिख सकते हैं और ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन ओमेगा टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन ज़ीरो अपॉन एप्सिलॉन इन्फिनिटी। यही है आपका एल एस टी रिलेशन, जिसे कहते हैं लिडेनसैक एंड टेलर रिलेशन। जो वेव प्रोपगेट नहीं होते हैं फ्रीक्वेंसी रीजन में, जिसके लिए एप्सिलॉन ओमेगा की वैल्यू नेगेटिव होती है पोल्स के बीच में और ज़ीरो होती है ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा एल में, ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी में नेगेटिव होगा और ज़ीरो होगा ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा एल में। तो आज के लिए इतना ही, अगर इसमें कोई भी डाउट है तो फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।